हाई गाइज, आई एम ज्योति एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का वीडियो होने वाला है फैशन एथनिक वेयर हॉल, एंड आज के वीडियो में आपको कुर्ताज एंड कुर्ता सेट्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही अमेजिंग एंड यूनिक कलेक्शन है, आई एम श्योर यू ऑल गोना लव देम। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट फैशन। फैशन एक एथनिक ब्रांड है, इनका अलग वेबसाइट भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड यहाँ पे ना आपको इंडियन एंड इंडो वेस्टर्न स्टाइल्स देखने को मिलेंगे, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। एंड इनकी वेबसाइट में ना एक अंडर ₹1000 करके डेडिकेटेड स्टोर भी है जो कि आप चेक कर सकते हो अगर आपको बजट में कुछ चाहिए तो। एंड यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। देन यहाँ पे आपको 30 डेज नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी भी मिलता है, सो आप आराम से बेफिक्र होकर शॉपिंग कर सकते हो। एंड यहाँ पे ना आपको ह्यूज कलेक्शन देखने को मिलेगा। एवरी मंथ यहाँ पे न्यू डिजाइन ऐड किए जाते हैं जो कि और कहीं भी अवेलेबल नहीं है, आपको सिर्फ फैशन के वेबसाइट में देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो कि ऑलरेडी मैंने स्क्रीन में मेंशन कर दिया है, तो आपको मिलेगा स्पेशल 5% डिस्काउंट। सारे प्रोडक्ट्स के ओरिजिनल प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, सो आप ध्यान से देखना। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद द ट्राई ऑन हॉल। ओके, सो दिस इज माई वेरी फर्स्ट कुर्ता। बहुत ही सुंदर सा कुर्ता है, वेयर करने के बाद बहुत ही स्मार्ट लगता है। आपको इसका कंप्लीट पिक्चर साइड में मिल जाएगा। नाउ कुर्ते की डिटेलिंग की बात करें तो आप देख सकते हो पूरे कुर्ते में आपको फ्लोरल प्रिंट मिलता है। देन यहाँ पे आपको राउंड नेक दिया गया है, एंड नेक के पास आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलता है, एंड सीक्वेंस वर्क भी आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको 3-4 स्लीव मिलता है, एंड स्लीव के पास भी आपको सेम वर्क देखने को मिलता है। स्ट्रेट फिट कुर्ता है, आप इसे ओकेजनली भी वेयर कर सकते हो, लाइक अभी गणेश चतुर्थी आने वाला है उस टाइम आप इसे पहन सकते हो, या फिर ऑफिस भी वेयर करके जा सकते हो। बहुत ही स्मार्ट लगता है वेयर करने के बाद। एंड इसके मटेरियल की बात करें तो मटेरियल इसका रेयन है, कंफर्टेबल है वेयर करने में। एंड कैसे इसे स्टाइल करना चाहिए आपको, तो अगर आप इसे येलो ट्राउजर के साथ स्टाइल करोगे या फिर येलो लेगिंग के साथ तो बहुत ही स्मार्ट लगेगा। इवन आप इसे पिंक बॉटम वेयर के साथ भी ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आपको इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करना है, देन आप इसे जीन्स के साथ भी स्टाइल करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पर्सनली ये कुर्ता बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वेयर करने के बाद बहुत ही डिसेंट लगता है, एंड क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है, प्राइस भी बिल्कुल रीजनेबल है। इसे मैंने स्मॉल साइज लिया, आपको डिफरेंट साइज में मिल जाएगा। सो अगर आपको ये पसंद आया है देन यू मे गो फॉर दिस वन। ओके, नाउ दिस इज माई नेक्स्ट कुर्ता जो कि बहुत ही प्यारा सा है, आप देख सकते हो एकदम फेस्टिव अप्रोप्रिएट। नेक आप देखो सर इतना प्यारा लग रहा है, पूरे नेक में आपको मिरर वर्क मिलता है। देन यहाँ पे आपको 3-4 स्लीव मिलता है, पूरे कुर्ते में बंदेज प्रिंट दिया गया है। आप इसे नवरात्रि में भी वेयर कर सकते हो, इवन दिवाली में भी आप इसे वेयर कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा। आप इसे वाइट प्लाजो के साथ ट्राई कर सकते हो, देन वाइट शरारा के साथ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इवन इससे ज़्यादा आप दुपट्टा भी ऐड करोगे ना, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका लुक बहुत अच्छा आता है। वैसे इसमें मैंने स्मॉल साइज लिया है, अगेन ये भी आपको डिफरेंट साइज मिल जाएगा। एंड इसका मटेरियल रेयन है, वेयर करने में सुपर कम्फर्टेबल। सो अगर आपको पसंद आया है देन यू कैन बाय दिस वन। ओके, नाउ दिस इज माई नेक्स्ट कुर्ता, एंड लुक एट द कलर। इसके कलर पर मैं फिदा हो गई, मस्टर्ड कलर में है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। नाउ ये भी स्ट्रेट फिट कुर्ता है। वैसे आज की वीडियो में जितने भी आप कुर्ताज देखोगे ना, सारे के सारे स्ट्रेट फिट हैं। एंड इसमें भी आप देख सकते हो पूरे कुर्ते में आपको बंदेज प्रिंट देखने को मिलता है। मुझे ये वाला प्रिंट बहुत पसंद है, एकदम देख के फेस्टिव वाइब आती है। इसका नेक आप सामने से देखो कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पे बीड्स लगे हुए हैं, कट दाना वर्क आपको देखने को मिलता है, एंड फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी वजह से ना ये कुर्ता ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे आपको 3-4 स्लीव मिलता है, ओवरऑल कुर्ता बहुत प्यारा है। आप इसे वाइट प्लाजो वाइट शरारा दोनों के साथ वेयर कर सकते हो। पहनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आता है, एंड इसका मटेरियल डोला सिल्क है, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है वेयर करने। एंड इसके अंदर आपको लाइनिंग भी मिलता है, सो ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छा है, अगर आपको पसंद आया है देन आप इसे अपने कार्ट में ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ दिस इज माई नेक्स्ट कुर्ता, एकदम वाइब्रेंट ब्लू कलर में। इसका जो मटेरियल है ना वो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसका मटेरियल दिया गया है शिनॉन सिल्क, एंड ये वाला फैब्रिक मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। एकदम सॉफ्ट है, वेयर करने में भी बिल्कुल सॉफ्ट लगता है। एंड डिटेलिंग की बात करें तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे राउंड नेक मिलता है, एंड नेक पे यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है। देन इधर आपको 3-4 स्लीव मिलता है, एंड स्लीव में भी आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलता है, एंड पूरे कुर्ते में लहरिया प्रिंट आपको दिया गया है। वेयर करने के बाद ये भी बहुत अच्छा लगता है, एंड ये भी बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके अंदर आपको लाइनिंग मिलती है, ठीक है। एंड इस कुर्ते में भी मेरा साइज स्मॉल है, ये आपको डिफरेंट साइजेस में मिल जाएगा। एंड आई थिंक इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएगा, आई थिंक ये रेड में भी अवेलेबल है, तो आपको जो भी पसंद है आप वो ले सकते हो। आपको इसे वाइट सिगरेट पैंट या फिर वाइट लेगिंग के साथ पेयर अप करना है, देन कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज कैरी करने हैं, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। सो अगर आपको ये पसंद आया देन यू मे कंसिडर दिस वन।
ओके नाउ दिस इज माई नेक्स्ट कुर्ता, बहुत ही प्यारा सा कुर्ता है। यू कैन सी पूरे कुर्ते में आपको टाई एंड डाई प्रिंट मिलता है। एंड आपको पता है इस कुर्ते में आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएगा, ये पीच में भी अवेलेबल है। एंड दोनों कलर मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बट ये वाला मैंने चूज किया, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। नाउ डिटेलिंग की बात करें तो आप देख सकते हो आपको कुछ ऐसा नेक मिलता है। एंड यहाँ पे आप देखो कुछ ऐसा वर्क किया गया है, एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको देखने को मिलता है जो कि रेशम से किया गया है, एंड सीक्वेंस भी लगे हुए हैं। देन इसमें आपको कुछ ऐसा स्लीव मिलता है, 3-4 स्लीव आपको देखने को मिलता है। एंड अगेन ये भी पूरा स्ट्रेट फिट कुर्ता है, ओवरऑल इसका भी लुक बहुत प्यारा आता है। कुर्ते का मटेरियल सिल्क है, आप इसे येलो बॉटम वेयर के साथ ट्राई कर सकते हो, इवन रेड के साथ भी इसे वेयर करके आप कॉन्ट्रास्ट लुक क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा कुर्ता है, इसे वेयर करने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आता है। एंड इसका जो प्रिंट है ना वो मुझे बहुत यूनिक लगा, टाई एंड डाई। जनरली हमने वेस्टर्न कपड़ों में देखा होगा, बट इंडियन कपड़ों में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही यूनिक लगा। ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने एक कुर्ता सेट बाय किया है जो कि आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बिकॉज इसका कलर बहुत ही अमेजिंग है। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का कुर्ता है, एंड इसके साथ बॉटम वेयर एंड दुपट्टा भी है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। मोस्टली आप कुर्ता देखो कुछ इस तरीके का कुर्ता है, आपको यहाँ पे लीफ नेकलाइन मिलता है, एंड नेक में आप देख सकते हो आपको कटदाना वर्क मिलता है, एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क देखने को मिलता है, बहुत ही प्यारा सा है। एंड पूरे कुर्ते में यू कैन सी आपको कुछ ऐसा प्रिंट देखने को मिलता है, फ्लोरल प्रिंट है। एंड इसकी लेंथ की बात करें तो काफ लेंथ है, इसका मटेरियल सिल्क है। ओके बहुत ही स्मार्ट लगता है, कलर बहुत ही डिसेंट सा है, वेयर करने के बाद भी एकदम डिसेंट लगता है। देन इसके साथ आपको सेम ग्रे कलर का दुपट्टा भी मिलता है कुछ इस टाइप का, इसकी लेंथ विड्थ सब एनफ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं कहीं पे आपको सीक्वेंस वर्क भी नजर आ रहा होगा। एंड ये देखो यहाँ पे टैसल्स भी लगे हुए हैं जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। ये जो माइनर डिटेल्स होते हैं ना मुझे बहुत पसंद है। एंड इसके साथ आपको सॉलिड ग्रे कलर का बॉटम वेयर भी मिलता है जो कि एक सीलेट पैंट है, एंड इसका मटेरियल भी सिल्क है, कंफर्टेबल है वेयर करने में। एंड ओवरऑल जो वेयर करने के बाद लुक आता है ना पूछो मत, बहुत ही स्मार्ट लगता है, आपको साइड में कंप्लीट लुक मिल जाएगा। ओके सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आज का कलेक्शन अच्छा लगा होगा। आपको कुछ भी अच्छा लगा तो आप उसे बाय कर सकते हो, सबकी परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो चेक करना मत भूलना। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको स्पेशल 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलना। एंड अगर आपका कोई स्पेशल फरमाइश है, आपको किस तरीके की हॉल वीडियोस देखने हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगी उनको फुलफिल करने की। एंड यस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।